उम्र का बहुत एक फैक्टर रहा है हमेशा से कि एज के मीरा की एज नहीं बढ़ती, रीमा की एज क्या है। हमारी छोटी सी गेम है द एज गेम, जहाँ पे मैं आपसे कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपने उनकी एज मुझे गेस करनी है कितनी है। और ये एज वो है कि जो गूगल पे विकिपीडिया पे मिलती है, कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपने उनकी एज बताने की बात सुने। आप चाहते हैं मेरी सबसे लड़ाई हो जाए? आप अच्छी एज लिख सकती हैं। मैं किसकी एज लिखूं? मैं पूछता हूं आपसे, तो वैसे बता देती हूं, इतना जरूरी है। अच्छा एक सेकंड, इसका क्या करूं? अच्छा लिखना आपने इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा ठीक है, बताइए। मीरा, मीरा उन्होंने मुझे फोन करके कहना है, या आपने क्या किया, आपने मेरी उम्र इतनी ज़्यादा बता दी, प्लीज़ ऐसा ना करें। वो बात सुने, वो मेरा ख्याल उन्होंने कहा था कि वो 25 साल की, 25 लिख के कैमरा उठा। अच्छा 25। अच्छा मीरा लिखूँ पहले? बस एज लिखते हैं, बस एज नंबर लिखते हैं, बस नंबर लिखते हैं। 30 25 कैमरा दिखा दे ऐसे, सॉरी 25। ओके अच्छा, विकिपीडिया के मुताबिक 41। अच्छा अच्छा, इकरा अजीज, इकरा अजीज बहुत यंग है। आपके कितनी होगी? I think 23, 24. आप लिखते हैं जो भी आपको लगता है। 24. She's 20. Sorry, हाँ छोटी है, छोटी है। रीमा खान। रीमा खान मेरे ख्याल में she must be 40, 48. हाँ 46. बहुत close. हाँ. सबा कमर। सबा कमर must be 35. हाँ 34. 34? क्लोज, बहुत सही गेस किया है। साइमा जी। साइमा जी मस्ट बी 50? हाँ 51. बहुत सही गेस कर रही है निशमा। मुझे कुछ मिलेगा? बहुत सही दुआएं। बस ये क्या बात है, छोटा शो हमारा, हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, आपका ये जो शो है ना वन टेक, ये बहुत देखा जाता है, और कभी चीज में छोटी बड़ी नहीं होती। मैं बताऊँ आपको कि ये आगे जाके आपका शो इतना पॉपुलर हो रहा है, और कौन सा एक्टर है जो आपके शो में नहीं आया? हालांकि हम वो एक्टर्स हैं जो कि हम पैसे लिए बगैर कहीं भी नहीं जाते। हम कहते हैं कि नहीं, हमें इंटरव्यू के भी पैसे मिलेंगे हम तो जाएंगे। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है कि तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं, मतलब वी ऑल लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू राइट बैक। अच्छा महविश याद? महविश 37, 35 क्लोज। अच्छा 30। एंड लास्ट माहिरा खान। माहिरा 34, 33। बहुत आपने सही लोग गेस किए, मुझे कुछ मिलना चाहिए प्लीज। बस आपने मीरा की सही की होती है तो कुछ आपको हम करते हैं। मीरा की सबसे कम है 25 साल। आप वो बता क्या, वो फिर मुझे फोन करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि नहीं भाई आपकी जरूरत कैसे हुई, आपने मुझे बड़ा कह दिया। अच्छा इसी की बात करें तो आपका शो वन टेक पे, आपका जिक्र वन टेक पे बहुत हुआ है मेरा इत्तेफाकन। हाँ जी, तो इसका मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ। बहुत आप लकी, आपको थोड़ा दिखाते हैं, आपकी फीडबैक लेते हैं, कॉमेंट लेते हैं। नूर आई थी शो पे लास्ट सीजन, तो हमने उनसे बात की थी थोड़ी सी, एक गेम थी कि कुछ एडवाइस देनी थी लोगों को, तो उन्होंने आपको क्या एडवाइस दी देखते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, वुमेन आप किसी से भी पूछें, आप हुमायूं से, आप किसी भी एक्टर से, मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करते हैं। और आप किसी भी एक्टर से लेके, मतलब सीनियर जूनियर से लेके, उनको पता है कि रेशम इज ऑलवेज देयर फॉर फ्रेंड्स, ठीक है? आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, मुझे कोई एक फोन में भागती भी चली जाऊंगी। और इन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, क्योंकि हिदायत की तो हम सबको ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत इन मोहतरमा को है, नूर को है। हाँ तो वो, तो मेरे ख्याल में हिदायत की तो सबको ही जरूरत है। शान आए थे शो पे, शान ने भी जिक्र किया आपका है। हाँ जी, शान ने एक एडवाइस दी थोड़ी सी आपको, तारीफ की पहले आपकी टैलेंट की और आपकी एक्टिंग की, उसके बाद उन्होंने कहा आई थिंक यू नीड इट, आई मीन यू गॉट मनी, यू गॉट फेम, यू गॉट एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर यू, बट देन व्हाई डू यू ऑप्ट फॉर दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स? आई मीन आई डिडंट ऑप्ट फॉर ड्रामास, आई कुड हैव डन ड्रामास। एंड द फनी पार्ट इज हाफ आवर इंडस्ट्री, नागिन ड्रामा क्यों नहीं करना चाहिए था आपको? नहीं, बात ये कि देखिए मैं घर चलाती हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरे साथ भी बाप नहीं है, और मुझे अपने घर चलाना है। मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो करती हूँ वो बहुत सारे लोगों को पता है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वेकेशन नहीं करती, मैं 15 साल से मेरे पास यूके का वीज़ा है, मैं ट्रेवल नहीं करती। इट्स बिन 15 ईयर्स आई डिडंट विजिट यूके।
क्योंकि मुझे अगर ये ट्रिप्स करने हो तो मैं बाकी लोगों की जो मैं हेल्प करती हूँ तो वो मैं अपने पैसों से करती हूँ, अपने दोस्तों की भी करती हूँ. तो मुझे कभी मतलब जिस मीडियम से भी मुझे काम मिलता है और वो मैं अच्छा समझती हूँ मैं करती हूँ. तो लाहौर से वो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, लाहौर में काम नहीं हो रहा था, तो नागिन लाहौर से हुआ और हिट भी हुआ. बिल्कुल, सब जानते हैं कि उसके 200 एपिसोड्स जो हैं, मतलब इतना, मतलब एक घंटे का जो कंटेंट है वो ऑन एयर गया. तो शान ने कहा कि मुझे नागिन नहीं करना चाहिए था. तो शायद उनकी वो सोचते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था. अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनको मेरे साथ फिल्म में लेके फिर मुझे काम करना चाहिए था ना. हालांकि शान का तो काम बैक मेरे साथ हुआ था संगम में, और शान शुरू से ही मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं. लेकिन अब बाज़ औकात हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ताने हम कसते हैं. बहुत तारीफ की थी पहले आपकी, आपके टैलेंट की, आपके एक्टिंग की. दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम, सो काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने मेरी तारीफ की. एक सजेशन दी थी कि मेरे किसी भी इंटरव्यू में अगर आप उठा के उसको देखें तो उसमें सबसे पहले बाबरा जी का जिक्र होता है, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगी. तो शान का भी जिक्र होता है. तो अच्छा, आप देखिए काफ़ी जो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स हैं, मीरा, रीमा, नूर, आप लोगों की आपसे बनती क्यों नहीं है? इतने एक एक, एक लड़ाई का माहौल क्यों होता है हमेशा आप लोगों के बीच में? बात है कि मेरी सबसे बनती है, क्योंकि मीरा एक शो पर आई थी, एक और शो पर, उन्होंने कहा था कि रेशमा ने मेरा बहुत दिल दुखाया, मेरा बहुत दिल, अभी रिसेंटली शो पर उन्होंने बोला था एक और शो पर. अच्छा, ये बात वैसे मेरी रिसेंटली उनसे मेरी कोई इंटरेक्शन हुई नहीं, वरना मैं उनसे ज़रूर पूछती कि मैंने अगर दिल दुखाया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सॉरी करती हूँ. लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैंने उनका कभी कोई दिल दुखाया. आप लोगों में एक रेस थी, एक कंपटीशन था, कभी दोस्ती, कभी भी मोमिन मेरी, मैं उस रेस में हुई नहीं. अच्छा, मेरे जितने अपनी कलीग्स को मैं प्यार करती हूँ, जिनको इज्जत देती हूँ, हाँ शायद उनको एक मसला ज़रूर होता है कि इसकी इतनी इज्जत क्यों है माशरे में. ओवरऑल मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बताऊँ आपको कि इज्जत है ना, पैसा आ जाएगा. पैसा है तो इज्जत कभी भी नहीं आएगी. ट्रू दैट. तो अगर हम लोग अपने गरेबान में झांकना शुरू कर दें तो ये सबसे अच्छी बात होगी. हम दूसरे पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है. सबसे मुझे अपना आप सबसे इतना लगता है, मुझे सब अच्छे लगते हैं. तो वो इतनी अच्छी सी बात है. हालांकि आप यकीन करो कि इन एक्ट्रेसेस को जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ही इनके काम आती हूँ. मैं ही इनके अपने लिए घर के दरवाजे खोलती हूँ, उनके लिए कोई भी नहीं खोलता. तो अपना मुँह खोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या कहने जा रहा हूँ या कहने जा रही हूँ. अच्छा रेशम, आपसे सवाल पूछना मुझे, क्या आप पाकिस्तान की सलमान खान बनना चाहती हैं? नहीं. मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों गेस कर रहे हैं, क्यों कह रहा हूँ? सलमान की भी शादी नहीं हो रही, कर रहे हैं, आप भी शादी नहीं कर रही. एक बात बताऊँ, मैं सलमान खान से ना उनकी एक्टिंग से इतना इंप्रेस नहीं हूँ जितनी उनकी काम से. वो जहाँ जाते हैं जितना वो सवाल आपसे मैंने पूछा, सवाल को बदले ना, सवाल आपकी शादी का पूछा मैंने. क्या रेशम शादी करेंगी? जाहिर है मैं शादी करूंगी, क्या मतलब है आपका? आप कर क्यों नहीं रही? आई एम लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, लेकिन इनको मिल ही नहीं रहा. अच्छा, जो चीज़ें मुझे जो लवाजमत चाहिए वो है नहीं किसी में. क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए सिंसेरिटी, मुझे चाहिए लॉयल्टी, मुझे चाहिए ऑनेस्टी. ये चीज़ें किसी में मिलती नहीं है. तो बिल्कुल मिलेगा भी नहीं आपको. बिल्कुल नहीं मिलेगा कसम से. और सिर्फ मेरे साथ नहीं है, अगर मैं अपने इर्द गिर्द हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं उनको.